ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के धुले में एक 12 साल की बच्ची को सांप काट लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। धुले जिले के शिरपुर के सरकारी आश्रम स्कूल में नेहा पावरा नाम की एक 12 वर्षीय लड़की को सांप ने काट लिया था। रात के समय जब सांप ने काटा तो लड़की ने वार्डन से शिकायत की, मगर वार्डन ने नजरअंदाज कर दिया। मगर जब लड़की की हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल ले जाया गया, मगर इलाज में देरी होने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद आदिवासी संगठनों ने वार्डन के इस्तीफे की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। तारीख रात को एक 12 वर्षीय बच्ची को सांप ने काटा और उस सांप के काटने की वजह से वो बच्ची का निधन हो गया। उसके बावजूद आज हम सब हमारी टीम जो भी संगठन आए हैं वहाँ पे गए, और वहाँ जाने के बाद भी आज भी हमें हमारे आंखों के सामने एक सांप वहाँ पे जिंदा दिखा। और हो सकता है कि उस बच्ची को अगर उस दिन वो बच्ची अगर उसका निधन हो गया है तो दूसरे दिन और एक बच्ची का निधन हो जाता है। उसके बाद दो बच्ची अभी भी सरकारी अस्पताल में यहाँ पर एडमिट कर रखा है। वहाँ की जो सुविधाएँ बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारी एक डिमांड है कि जितने भी शिरपुर तहसील में जो भी नामांकित स्कूल है गवर्नमेंट की या कोई संस्था की हो, उसमें जो भी यहाँ पे 103 बच्चे या 147 बच्ची या जितने भी है पहले से लेकर 10वीं तक की, उनकी तत्काल सुविधा आज होना चाहिए। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां तेज बारिश होने की वजह से बारिश ने कहर बरपा दिया है। जहां कल रात एक बहुमंजिला इमारत गिर गई है, 3 लोगों की मौत हो गई है। सेना के 6 जवानों के साथ साथ 28 लोग मलबे में दबे हुए हैं। यह हादसा हिमाचल प्रदेश के सोलन कुमार हड्डी नहान हाईवे के किनारे इमारत का है, जहां उस इमारत में ढाबा और गेस्ट हाउस था, मगर अचानक इमारत गिर गई, जिसमें 34 लोगों की दबे होने की खबर है, जिसके बाद मौके पर राहत बचाव कार्य कर कई लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया, मगर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी इसका एक इंक्वायरी का मुद्दा है कि बिल्डिंग कैसे कलेप्स हुई। यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड ऊपर से नहीं हुआ ना नीचे से हुआ है, और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का इशू है। ये हम इंक्वायरी करेंगे, क्या ये बिल्डिंग अभी 2009 की बिल्डिंग है, 10 साल पुरानी बिल्डिंग है और होटल चल रहा था। रिसेंटली एक मंजिल इसमें ऐड हुई है, अब इसको हम देखेंगे। इसमें FIR ऑलरेडी लॉज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये इमारत 2009 में बनाई गई थी, मगर हादसे के बाद मकान मालिक पर FIR दर्ज कर लिया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।